भाजपाइयों के डर से स्वामी प्रसाद का बदला रूट कलेक्टर चौराहे पर भाजपाइयों ने फूका पुतला मौर्य समाज को छलने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी कर खूब सुर्खियों में आए थे। पहले वह बसपा में थे, फिर भाजपा में गए और भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामते ही वह आग उगलने लगे। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करके सुर्खियों में थे, तो वहीं जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरबंस मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के जिले में आने की खबर सुनी, बड़कोटे कलेक्ट्रेट पर जिस रास्ते से स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला गुजरने वाला था, उसी रास्ते पर काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने को तैयार हो गए। इसको देखते ही पुलिस की चाक चौबंद भी बढ़ा दी गई, लेकिन न जाने कब भाजपाइयों के डर से स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला किसी दूसरे रास्ते से कार्यक्रम स्थल पहुंच गया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, जिसके बाद भाजपाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा रोनापार मंडल के अध्यक्ष शिव कुमार मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौर्य समाज को छलने का काम किया है। वे किसी भी दल में रहे हों, कभी भी मौर्य समाज के लिए कुछ नहीं किया। मौर्य समाज सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। आज ये आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ पर जिस हिसाब से पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण पर अभद्र टिप्पणी किया था और आज इसी जिले में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। और मैं आपको बता दूं कि इनका रूट जो था ये इधर से आने का था, हम लोग यहाँ खड़े थे। आज उनको काला झंडा दिखाकर गोपायक का वापस जाने का हम लोग नारा लगाते, असांकेतिक धरना करते, तो सांकेतिक विरोध करते, लेकिन वो मुझे पता लगा है अभी कि वो जो है किसी रास्ता को बदल के डर के माले रूट चेंज कर दिए हैं और उनको लगा कि राम भक्तों से टकराना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लिए हैं। उनको भगवान ने सद्बुद्धि दिया कि गो भक्तों से और राष्ट्र भक्तों से और राम भक्तों से टकराना ठीक नहीं समझा, इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, कम से कम सद्बुद्धि तो आई। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बहिष्कार करिए ऐसे लोगों का, तत्काल बहिष्कार करिए, कतई उसका कहीं पर विजुअल नहीं चलना चाहिए। मेरा आग्रह है जो राम का नहीं वो किसी का देखिए। जब जो अनपढ़ आदमी हो, जिसको किसी का ज्ञान नहीं हो, वो अभद्र टिप्पणी करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस में ये चौपाई है, ढोल गंवारे सूत्र पैतुनारी सगड़ ताराना के अधिकारी, ये जो सब चौपाई है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी बता चुके हैं और लगातार ये हमारे पवित्र ग्रंथों पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस पे हम लोग आज विरोध कर रहे हैं, इनको कहीं पे कहीं जाएं तो वहाँ का राष्ट्रभक्त होगा, राम भक्त होगा, वो जरूर विरोध करेगा। उन्होंने बयान दिया है कि ज्ञान वापी के अंदर बौद्ध का मंदिर रहा है पहले से, तो आप इसको हमने एक चीज कहा न कि ये शुद्ध रूप से ये अपने हाँ गंवार आदमी है, चर्चा में बने रहने के लिए ये अपने धर्म पर टिप्पणी कर रहा है। शिव कुमार मौर्य, मंडल अध्यक्ष रोनापार भारतीय जनता पार्टी। आज आप लोगों ने पुतला फूका है, क्या पुतला फूकने का ये कारण था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ग्रंथों पे और इस पे टिप्पणी की हमारे रामचरित मानस पे, इससे हम लोग आहत थे और हमारा समाज भी इनको बहिष्कार करता है। ये समाज के नाम पे झूठे मौर्य का दिखावा करते हैं, ना कि कभी बता दें कि किसी मौर्य के लिए, अच्छा मौर्य समाज के लिए अभी तक वो तमाम दलों में इधर उधर हुए, कोई भी कार्य अगर किए हों मौर्य समाज के लिए तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दूं। लेकिन अगर मौर्य समाज को हम लोग मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी को ही मानते हैं। आज आजमगढ़ तो आए हुए हैं, बैठक भी कर रहे हैं समाज के साथ, एक भी मौर्य जी इसमें एक भी मौर्य नहीं है, जो सपा के लोग उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे मौर्य हों चाहे अदर समाज के, यही लोग उनके साथ हैं।